फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है टूल्स का। उस टूल्स का क्या यूज है और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है टूल्स का। उस टूल्स का क्या यूज है और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद देखते हैं कि टूल्स का क्या यूज़ है। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें टूल्स के ऑप्शन में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले ऑप्शन है अवेलेबल टूल्स, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं सेकेंड पे आता हूँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दो ऑप्शंस है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लॉगर की वेबसाइट है, लाइव जर्नल की है, मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड की है, टम्बलर की है, वर्डप्रेस की है। आपके पास यहाँ पे वो वेबसाइट है और आप उसका डाटा इस वेबसाइट के अंदर इम्पोर्ट करना चाहते हैं एक क्लिक के साथ, तो वहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपल आके आप वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ये है। लेट्स सपोज आप यहाँ से कोई डाटा लेना चाहते हैं और उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी आएंगे और यहाँ पे देखें तमाम चीज़ें, पोस्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पेजेस, मीडिया। तो मैं अगर मीडिया एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कब से कब तक का मीडिया, जो मतलब इमेजेस हैं वो आप एक्सपोर्ट करके किसी और वेबसाइट के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे जो भी होगा और एक्सपोर्ट फाइल कर लोगे। अब ये मुझे एक एक्सपोर्ट फाइल दे देगा। अब उस वेबसाइट के अंदर जाके जहाँ पे मुझे ये इमेजेस चाहिए, अब क्योंकि एक दो इमेजेस होती हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप मैन्युअली इंपोर्ट कर ले। जब हज़ार इमेजेस होती हैं एक वेबसाइट में और दूसरी वेबसाइट में आप उनको लेके जाना चाह रहे होते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए मैन्युअली करना, तो ये हेल्प करते हैं आपका। लेट्स सपोज आप किसी और वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यही सारी इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं, तो वो वाली वर्डप्रेस वेबसाइट आप लॉगिन करोगे, उसके इंपोर्ट सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे देखें वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे इसको और रन इंपोर्टर, और यहाँ पे ये वाली फाइल आप चूज़ कर लोगे जो आपने उस वेबसाइट के साथ से एक्सपोर्ट की थी, राइट, और यहाँ पे इसको अपलोड कर दोगे और इंपोर्ट कर दोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाटा एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे इजीली मूव कर सकते हो जस्ट फ्यू क्लिक्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है साइट हेल्थ का। तो साइट हेल्थ जो है हमारे पास बेसिकली हमारी वेबसाइट की साइट हेल्थ बताती है कि हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट की साइट की हेल्थ क्या है, कोई मालवेयर तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे देखें यहाँ साइट हेल्थ जो है वो गुड बता रहा है, सिक्योरिटी हमें बता रहा है कि कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी हमारे पास ठीक है। इंफॉर्मेशन मज़ीद दे रहा है हमारी वेबसाइट की अबाउट कि कौन सा जो है हमने हमारा वर्डप्रेस वर्जन कौन सा है, किस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल्ड है, कितने प्लगइन्स एक्टिवेट है। तो ये बेसिकली बेसिक सब हुआ है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, तो सेम ऑप्शंस हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है। तो ये बेसिकली टूल्स का सेक्शंस था जो कि बहुत ही बेसिक था और इसकी ज़्यादा से ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ही सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए भी आप एक डेडिकेटेड प्लगइन यूज़ कर सकते हो जो कि हम आगे चल के बैकअप एंड माइग्रेशंस के अंदर बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।